तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं राउंडेड चार्ट पैटर्न के बारे में। जो ये जो राउंडेड चार्ट पैटर्न होता है ना, ये राउंड होता है, जैसे गोला होता है ना वैसा राउंड होता है। ये जो यू शेप में रहता है ना, ये ऐसा यू शेप जैसा दिखेगा ये चार्ट पैटर्न। तो ये जो यू शेप है ना, इसे आप बहुत आसानी से आप किसी भी चार्ट में देख के पहचान जाएंगे कि क्योंकि ये यू शेप के जैसा दिखता है इसलिए। ठीक है, तब राउंडेड चार्ट पैटर्न में दो तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं। एक होता है राउंडेड टॉप चार्ट पैटर्न और दूसरा एक होता है राउंडेड बॉटम पैटर्न होता है। तो ये दो तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। इसमें राउंडेड चार्ट पैटर्न में जो टॉप चार्ट पैटर्न होता है वो ऊपर से ऐसा बनता है और जो राउंडेड बॉटम होता है वो नीचे से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको भी और दिखा देता हूँ कि ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो भी होता है ना, ये लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए होता है। कोई भी ना इसमें लॉन्ग टर्म, कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म नहीं होता, जैसे कि इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम ट्रेडिंग के लिए, इस सब चीजों के लिए आप यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए नहीं है ये। यहाँ पे जो राउंडिंग जो बॉटम पैटर्न जो बनता है वो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के लिए बनता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे 10 साल 20 साल या 20 साल से ज्यादा, उसके लिए हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो जैसे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक चीज के ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना आप जो जो भी चार्ट जो आप देखेंगे ना, उसमें आप वीकली और मंथली, ये दो चार्ट को आप यूज करिएगा, वीकली और मंथली। ठीक है, चार्ट टाइम फ्रेम जो भी आप यूज करेंगे उसमें आप वीकली और मंथली यूज करिएगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न में। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न को हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कि इसको बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद में यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ऊपर ऊपर सीधा ऊपर जाता है। इसे मैं और दिखा दूंगा आपको। और वैसे ही हो गया आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न, तो टॉप पैटर्न में भी सेम ऐसा ही होता है, इसे हम बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अब ये ऐसा करके ये ऊपर से ऐसा नीचे आता है, नीचे से आने के बाद में यहाँ से नीचे 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 और नीचे जाता है। तो इसमें भी आप जो भी टाइम फ्रेम देखेंगे ना, अब वीकली और मंथली चार्ट टाइम फ्रेम देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउंडिंग बॉटम कैसा दिखता है, टॉप कैसा दिखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ग्राफ चार्ट में मैंने आपको दिखा रहा हूं, मैं देख सकते हैं आप ये राउंडिंग चार्ट टॉप पैटर्न ऐसा है, ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हो गया आपका सपोर्ट लाइन और ये ऊपर वाला जो होगा, ये जो ग्राउंड जो बना ना, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ऊपर का, तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाके नीचे आता है, तो इसे हम राउंडिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं, ये ऐसा दिखता है। अब उसके बाद में जैसे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न को देख लीजिए आप, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है ये ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल हो गया आपका, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और यहाँ से नीचे से ऐसा करके धीरे 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 करके ऐसा करके ऊपर जाएगा ये, तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है ना, ये अप ट्रेंड में भी रहता है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं अप ट्रेंड भी रहता है, ये डाउन ट्रेंड भी रहता है, और ये साइडवाइज ट्रेंड भी रहता है, तो तीनों रहता है ये, हमेशा याद रखिएगा, अप ट्रेंड भी रहता है ये डाउन ट्रेंड भी रहता है, और साइडवाइज मतलब ये तीनों तरीके का ट्रेंड में चलता है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ बाइंग विद राउंडिंग बॉटम में आपको कैसे बाय करना है, कब एंटर करना है, आपको कब एग्जिट करना है। यहाँ पे राउंडिंग विद बाइंग विद राउंडिंग बॉटम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी तीन दिया हुआ है, जैसे कि रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस में ए हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, ये नीचे 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 जाता है, नीचे जाने के बाद में डाउन ट्रेंड से साइडवेज में आ रहा है, साइडवेज में जाने के बाद में ये ऊपर जाने लगता है। जैसे ये ऊपर जाने लगता है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ से ऊपर जाने लगेगा, तो यहाँ से आप दो तीन कैंडल को छोड़ के तीसरे चौथे कैंडल में आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, बाय कर लीजिए। और बाय करने के बाद में आप यहाँ पे जो लाइन खींचा ना मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट लेवल के लिए, यहाँ पे आप जाके आप यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट बना लीजिए। फर्स्ट टारगेट बनाने के बाद में सी हो गया, ये आपका फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट बनाने के बाद में धीरे 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 अगर ये ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे आप सेकंड टारगेट बना लीजिए, और इसे इसी को हम बोलते हैं बाइंग विथ राउंडिंग बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होगा धीरे धीरे, फिर यहाँ से जब बढ़ेगा ना ऊपर, तो यहाँ से वॉल्यूम और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सेकंड टारगेट थोड़ा रिस्की रहता है, अगर फर्स्ट टारगेट में आप अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टारगेट में आप ट्रेडिंग करके
अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है राउंडिंग बॉटम का यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न, टॉप चार्टर्न टॉप चार्ट पैटर्न में सेम इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो चार्ट पैटर्न होता है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऐसे करके यहाँ नीचे गिरता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक ये राउंड बना रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, ये यहाँ पे राउंड बना रहा है सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न में। ये ऊपर से टॉप में नीचे जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला R1 हो गया, यहाँ पे S1 S2 सपोर्ट लेवल ये हो गया। अब यहां से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है, सेल का, तो यहाँ पे ना यहाँ पे जैसे ये अपवर्ड हुआ, साइडवेज हुआ, फिर डाउन ट्रेंड हुआ, जैसे ये साइडवेज जाने के बाद में डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट होगा ना, तो वहां पे आप एक दो कैंडल को छोड़ के वहां पे आप सेल का ऑर्डर लगा लीजिए। अब यहाँ पे आप सेल का ऑर्डर लगाएंगे तो धीरे 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 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट 1 लगा सकते हैं। उसके बाद में ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आप टारगेट 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट 1 यहाँ पे लगाने के बाद में यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब टारगेट 2 का वेट मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि टारगेट 2 कितना रिस्की है कि नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते। तो मैं यही बोलूंगा कि आप टारगेट 1 में ही अपना प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉटिंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है वो कैसा दिखता है। वो नीचे से ऊपर जाता है और नीचे में राउंड बनता है, और टॉप चार्ट पैटर्न में वो ऊपर से ऐसा राउंड बनता है और वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो और इन दोनों में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए करना है इसका चार्ट का यूज। लॉन्ग टर्म के लिए आप वीकली हो गया, मंथली, ये दो चीजों का आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में चलिए आपको मैं ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाइंग विद राउंडिंग बॉटम, तो बाइंग विद राउंडिंग बॉटम में आपको दिखा देता हूं मैं। आप ये देख सकते हैं, ये इंफोसिस का एक ग्राफ है। तो इंफोसिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया। तो यहाँ पे क्या करना है ना आपको, यहाँ पे कि जैसे ये जो राउंड बनता है, यहाँ पे जैसे ये राउंड बनता है ना, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी बना देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे देखते हैं डाउन ट्रेंड आने के बाद साइडवेज हुआ ये, तो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ मैं। डाउन ट्रेंड जाने के बाद में जैसे ये साइडवेज जाता है, साइडवेज जाने के बाद में जैसे ये अप ट्रेंड जाने के लिए होगा ना, तो वहां पे आप यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद में धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे आप अपना टारगेट 1 बुक कर लीजिए। टारगेट 2 के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप बुक करिएगा, थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, लेकिन टारगेट 1 में आप बहुत पैसा कमा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो चार्ट है ना, मैंने 1 मंथ का लिया हुआ है, 1 मंथ का लिया हुआ है। ये जो राउंड चार्ट जो बनने में कितना टाइम लगा होगा आप देख लीजिए, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब कि इतना टाइम लगा है इस स्टॉक के लिए राउंडिंग चार्ट पैटर्न बनने के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका राउंड जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्क से आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा राउंड बन रहा है, राउंड बन के ये ऊपर गया, ऊपर गया, तो यहाँ पे आपका टारगेट 1 हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये साइडवेज जाने के बाद में एक स्टिक को, एक या दो कैंडल को छोड़ के आपको वहां पे एंटर करना है। ये हो गया आपका राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं ये था आपका राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, बाइंग विद राउंडिंग बॉटम। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न कैसे दिखेगा आपका, यहाँ पे जाइए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ONGC का लिया हुआ है, वीकली का लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे वीकली में आप एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा राउंड बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये पूरा राउंड बन गया आपका। ये पूरा राउंड बनने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा ऐसे जो राउंड बन रहा है ना, ये हो गया आपका यू शेप, यू शेप जैसा हो गया। अब यहां पे ना आपको, जैसे कि ले लीजिए, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए आप यहाँ पे, ये लाइन ले लीजिए आप। तो अब आपको अब आपको यहां पे क्या करना है कि जैसे कि आप लाइन देख रहे हैं, तो ये यहां से स्टॉक ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद में थोड़ा सा साइडवेज लिया, साइडवेज लेने के बाद में ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप बाइंग, सॉरी सेलिंग का पोजिशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे सेल का पोजिशन बनाइए। सेल का पोजिशन बनाने के बाद में धीरे 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 ये नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट 1 रख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके नीचे जो भी आता है ना, यहाँ से धीरे 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 करके नीचे जा रहा है, तब आप यहाँ पे क्या है, अपना टारगेट 2 सेट करके वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न। ये हो गया अपना सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न, और ये था आपका सेलिंग विद बॉटम चार्ट पैटर्न। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट पैटर्न क्या है, राउंडेड चार्ट पैटर्न क्या है, और राउंडेड चार्ट पैटर्न में क्या क्या चीजें आते हैं। इसमें दो चीजें आते हैं, सेलिंग विद टॉप चार्ट पैटर्न, और दूसरा आता है बाइंग विद राउंडिंग बॉटम। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पे यहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, और ये चार्ट पैटर्न जो है राउंडिंग बॉटम वाला, दोनों कैसा दिखता है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, तो सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।